ये बच्चा कौन है? हाँ जी बेटा कौन? आंटी मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे, प्लीज आप मेरी मदद कर दो। मम्मी पापा नहीं मिल रहे? कौन है आपके मम्मी पापा और आप यहाँ पे अकेले कैसे आए? मैं घूम गया हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, प्लीज आप दरवाजा खोल दो। बेटा आप कहाँ रहते हो, आपको याद है आपका घर कहाँ है? मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है आंटी, मुझे बहुत भूख भी लग रही है और डर भी लग रहा है। लेकिन मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ, वो आपके मम्मी पापा को ढूंढने में आपकी हेल्प कर देंगे। आंटी मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। लेकिन पुलिस से डरने की क्या ज़रूरत है, वो तो हमारी हेल्प करने के लिए होती है ना, वो आपके मम्मी पापा को ढूंढने में आपकी ज़रूर हेल्प कर देगी। ठीक है, प्लीज़ आप दरवाज़ा खोल दो, फिर आप पुलिस अंकल को फ़ोन कर देना। अच्छा ठीक है। एक मिनट, हमारा मेन गेट तो बहुत ऊंचा है और इतना छोटा बच्चा वो गेट नहीं खोल सकता। मैं एक बार सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लेती हूँ। ओह शिट, इस बच्चे के साथ ये आदमी कौन है? हेलो पुलिस स्टेशन, सर मैं लाजपत नगर से बोल रही हूँ। मेरे घर के बाहर एक बच्चा खड़ा है, वो कह रहा है उसके मम्मी पापा खो गए हैं। मैंने सीसीटीवी में देखा है कि एक आदमी भी उसके साथ खड़ा है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा आपके साथ जो आदमी खड़ा है ना, उसको बोलो वो मुझे दिखाई दे रहा है और उसकी शक्ल भी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी और उसके भी मम्मी पापा को अब ढूंढ लेगी। ठीक है, तो डोंट वरी। आजकल स्कैमर्स बच्चों के थ्रू भी स्कैम करने लगे और कुछ लोग बच्चों को देखकर उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड यू नो हेल्पिंग समवन स्पेशली चिल्ड्रन इज अ गुड डीड, बट साथ ही हमारा कॉशियस रहना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए तो प्लीज सबसे पहले पुलिस को फोन करें और खुद एक्शन ना लें। यू नो दीस स्कैमर्स स्पेसिफिकली टारगेट पीपल हु लिव अलोन, और जो लोग अकेले रहते हैं स्पेशली उनको तो अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा लेना चाहिए ताकि उनको पता हो कि घर के बाहर कौन आ रहा है। और आजकल के सीसीटीवी कैमरा का लाइव फुटेज आप अपने फोन पे देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट डिवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज प्लीज बी अवेयर ऑफ दीस गैंग्स बिकॉज सेफ्टी इज इन आवर हैंड्स। That's it for this week. I'll see you guys next Tuesday and always be aware.